हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन और आलू की सब्जी। और ये बहुत कम मसालों में और तेल में मैं बनाऊंगी, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं वीडियो के शुरू में बता दे दूँ कि मेरा कमेंट अभी बंद है, तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। और मैं सभी की वीडियो लाइक करती हूँ और देखती हूँ, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सोयाबीन को फुला लिया था अच्छे से, और यहाँ पे सोयाबीन ले लिया है, और आलू मैंने छोटे छोटे ले लिए, आलू को मैं काटूंगी नहीं। अब यहाँ पे मैं इसका मसाला तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और एक टमाटर, तो इन सभी का हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है। और एक बार ऐसे बनाएंगे तो आपको चिकन मटन फेल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते। तो यहाँ पे मैंने गैस को जला के रख दिया है प्रेशर कुकर, हम इसी में बनाएंगे और बहुत जल्दी ये बन जाता है। तो इसमें मैं डाल दूंगी सरसों ऑयल, ऑयल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो गया, तो इसमें हम डाल देंगे सोयाबीन, और इसको सोया चंक्स भी बोला जाता है। तो इसको मैंने डाल लिया है, अब इसको हम चलाते हुए इसको भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, और बहुत ही कम मसाले और घर के ही मसालों में बहुत टेस्टी बनता है। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, अब इसको हम इस बोल में निकाल देंगे। अब वहीं पे हम इसी थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल के आलू जो मैंने काटा, ये आलू ये छोटा है तो मैंने इसीलिए इसको काटा नहीं है, अगर आपका बड़े आलू है तब इसको काट सकते हैं। तो ये छोटे छोटे, तो मैं इसी तरह मैं इसको डाल दूंगी, और इसी तरह इसको हम आलू को फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, चलाते हुए मैं आलू को भी फ्राई कर लिया है। तो हम सोयाबीन के ही उसी में हम इसको निकाल देंगे आलू को। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर आया है आलू का, तो सारा आलू हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे देखिए, खड़े मसाले हमने डाल दिए। तो खड़े मसाले में तेज़पत्ता है, और छोटी इलायची है, थोड़ा सा जीरा है, और काली मिर्च है। तो इन सभी को हम डाल के थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हमने भून लिया है। अब इसमें हमने छोटे छोटे प्याज, एक बड़े साइज का प्याज मैंने काट लिया है, इसको हम डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से प्याज को हम भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम चलाते हुए भून लेंगे, और ये सब्जी चिकन मटन भी इसके आगे फेल हो जाएगा, इतना ये स्वादिष्ट बनता है। और दो की जगह आप चार रोटी खाएंगे अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भून लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे जो पेस्ट मैंने बना के रखा था, उसको हम डाल देंगे। तो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे अब सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में हम नॉर्मली जो मसाले हम खाते हैं वही डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला, थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे जीरा पाउडर, और तीखे के अनुसार इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा ही लाल मिर्च डाल देंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी यूज किया है। तो इन सभी को अच्छे से हम मसाले को भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए मसाला भून लें। तो ये देखिए, बिल्कुल भी हमारा मसाला भून चुका है, तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू और सोयाबीन। तो यहाँ पे देखिए, हम आलू सोयाबीन को इसमें डाल देंगे। तो सारा हम डाल के इसको अच्छे से हम चला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, देखने में ही कितना ये मज़ेदार सब्जी लग रहा है। तो इसको अच्छे से हम मसाले में डाल के चला लेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक को अच्छे से हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे अपने ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी। तो पानी का यूज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा इसको हम सूखा ही बनाएंगे। तो अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा और पानी डालें क्योंकि अभी बहुत सूखा है, तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है। तो यहाँ पे देखिए, पानी डाल लिया, अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे, और सिर्फ एक सीटी लगाएंगे, एक सीटी में बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो एक सीटी इसको आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक सीटी आ गया था, तो मैंने इसको खोल लिया था, और ऊपर से हमने धनिया पत्ती डाल दिया है। अब इसको हम प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, देखने में कितना ये टेस्टी मज़ेदार लग रहा है। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं, बनाना भी बिल्कुल आसान है, तो ट्राई ज़रूर करें। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।